हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका कुकिंग कमलेश में। आज मैंने आपके लिए एक बेहतरीन चिकन डिश बनाई है जिसको कहते हैं चिकन स्टू। जो होटलों में जाते जाते हम लोग उसको ऑर्डर करते हैं खाते हैं, उससे भी बेहतर हमारे घर में ये चीज़ बन सकती है और घर के ही मसालों से। कोई हमने इसके अंदर बाहर की ऐसी कोई चीज़ नहीं डाली है, बस हमने डाले हैं इसके अंदर खरबूजे के बीज, जिनका टेस्ट इसके अंदर बहुत ही अच्छा आता है। डालने को आप काजू वगैरह डाल सकते हैं लेकिन हमने नहीं डाले हैं। और आप देख सकते हैं कितनी देखने में इतनी लाजवाब लग रही है, खाने में तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छी है ये। जब आप खाएंगे बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि चिकन स्टू घर में कितना टेस्टी और कितना लाजवाब बनता है। चलिए इसे बनाने की हम तैयारी शुरू करते हैं। आप इसको खाइए, नान से खाइए या आप प्लेन रोटी से भी खा सकते हैं, तंदूरी रोटी से खा सकते हैं, ये दोनों के साथ बराबर स्वाद देगा। इसके लिए मैंने ये लिया है 400 ग्राम चिकन, बॉन लेस नहीं है ये, बोन के साथ है। आप देख सकते हैं मैंने पीस थोड़े बड़े बड़े ही रखे हैं ताकि हमारा स्टू देखने में अच्छा लगे। और होटल में तो अपने स्टाइल में बना होता है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, लेकिन आज हम इसको अपने स्टाइल में बनाएंगे। जो हमारे पास घर में सामान है हम उसी से बनाएंगे इसको। तो चलिए इसे बनाने की हम तैयारी शुरू करते हैं। इससे पहले एक हम मसाला तैयार करते हैं जिसके अंदर हम ये डालेंगे, जीरा, और ये एक चम्मच हम डालेंगे इसके अंदर धनिया कुटा हुआ, इसके अंदर तीन लाल मिर्चें, हम इसको पीस लेंगे। हमें जो ये मसाले हमने तीन पीसे हैं तो हमें इसी तरह रखने हैं, भले ही हमारे को इसके अंदर लाल मिर्च के थोड़े पार्टिकल ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, बड़े बड़े नज़र आ रहे हैं, वो ऐसे ही रहने देते हैं, अच्छे लगते हैं वो। तो चलिए अब इसको बनाने की हम तैयारी शुरू करते हैं। तेल हमारा गर्म हो चुका है, इसके अंदर हम ये कुछ खड़े गरम मसाले डालेंगे, तेज पत्ता, दो इलायची, एक छोटी सी सिनेमन स्टिक, और ये है हमारी लौंग और 8-10 हमारी काली मिर्च। अब ये है हमारे दो मीडियम साइज के प्याज जो हमने चॉप कर लिए। खड़े गरम मसाले भी हम डाल के उसको पीस सकते थे लेकिन हमने इसलिए नहीं पीसे क्योंकि ये बहुत स्ट्रांग होते हैं, तो ये हम ऐसे डालेंगे तो ज़्यादा अच्छे लगेंगे और स्वाद भी ज़्यादा बढ़िया आएगा। तो ज़्यादा हमें प्याज को इसके अंदर ब्राउन नहीं करना है, बस थोड़ा सा इसको ट्रांसपेरेंट करना है। अब हमारी ये प्याज बिल्कुल ठीक होगी, हमें इसी तरह चाहिए। अब हमारे को इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है 1.5 चम्मच के करीब, तभी हम थोड़ा कच्चापन निकालेंगे। ये देखिए बस प्याज हमारी इस तरह होगी तो सही रहेगी हमारी। अब इसी टाइम पे हम अपना ये जो चिकन है वो सारा डाल देंगे। अब जो हमारा ये मसाला था जो हमने पीसा था हम वो भी इसमें डाल देंगे। अब यहीं पर ही हम इसमें थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, अगर आप हल्दी डालना चाहते हैं तो डालें, नहीं डालना चाहते तो नहीं डालें। ये देखिए मसाले हमारे मिल गए। अब इसके अंदर हम ये दही डाल देंगे करीबन 150 ग्राम। अब इसको बहुत अच्छी तरह हमारे को मिलाना है ताकि हमारे सारे चिकन के पीसेस में मसाले और ये जो हमारा दही डला है वो अच्छी तरह मिल जाए। अब हम इसी टाइम पे इसके अंदर नमक डाल देंगे, थोड़ी सी इसके अंदर हम लाल मिर्च डालेंगे, ये हमारे आधी छोटी चम्मच, ज़्यादा नहीं डालेंगे नहीं तो हमारे स्टू का कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। अब इसमें दही आ गया, नमक आ गया और चिकन हमारा, क्योंकि नमक डालने से चिकन भी पानी छोड़ेगा और दही का भी पानी होगा। अब हम इसको 10 मिनट के लिए ढक्कन लगा के इसको हम पकाएंगे। ये हमारे खरबूजे के बीज, वैसे तो इसके अंदर आप काजू भी डाल सकते हैं और खसखस भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास खरबूजे के बीज हैं तो ये 2 चम्मच मैंने लिए, आप इसे डालिए और इसके अंदर खुला पानी डाल के इसको हम पीस लेंगे, क्योंकि स्टू के अंदर यही बीज डलते हैं जो खरबूजे के होते हैं। इससे इनका जो कलर टेस्ट है बहुत बढ़िया आएगा और आपके मेहमान पूछेंगे जो भी खाएगा कि ये इसके अंदर ऐसी क्या चीज़ डली है जो इसका टेस्ट ही अलग आ रहा है। तो चलिए हम इसे पीस लेते हैं, बहुत पतला इसको पीसना है, लिक्विड बिल्कुल।
इसीलिए हमने इसके अंदर पानी ज्यादा डाला। मतलब 2 चम्मच ये है खरबूजे के बीज, तो 8-10 चम्मच आप इसमें पानी डालेंगे। ये देखिए कितना सारा पानी हमारा चिकन में से निकल गया है। अब हम इसको देख लेते हैं थोड़ा। अब इसके अंदर हमारे को इस टाइम पे ये जो हमने बनाया था खरबूजे खरबूजे के बीज का पानी, तो ये हमें इसमें डालना है। इससे बहुत ही बढ़िया स्वाद आएगा। अब यहाँ पे 1/2 चम्मच हम इसमें डालेंगे गरम मसाला जो मेरा घर का बना हुआ है। देखिए किस तरीके की हमारी ग्रेवी हो गई है ये, और अब ये और पकेगी। हम चेक कर लेते हैं। अब हम इसको धीमी आंच पे बिल्कुल स्लो गैस पे 15 मिनट के लिए और रख देंगे। फिर ये आराम से अपने आप पकती रहेगी, हमें कोई पानी वानी डालने की जरूरत नहीं है। अब हम इसको 15 मिनट बाद देखेंगे। ये देखिए बस हमें ऐसा ही चाहिए अपना चिकन स्टू। इस तरह कितना बढ़िया दानेदार हमारा बना है। तो हम गैस को कर देते हैं बंद, इसको हम थोड़े से धनिए से गार्निश कर देते हैं, और हम इसको पलट के आपको, वैसे तो ऐसे ही अच्छा लग रहा है लेकिन आप लोगों को दिखाना भी तो है ना, अपने प्लेटिंग भी तो करनी है, तो इसलिए हम इसको प्लेटिंग करते हैं। होटल स्टाइल घर में बना, घर के मसालों से बना हमारा चिकन स्टू तैयार हो चुका है। मैं आपको इसको दिखाती हूँ कितनी अच्छी तरह हमारा ये जो है चिकन गल चुका है। ये देखिए बिना कुकर के बिना सीटी लगाए हमारा चिकन सब देखिए हड्डियों में से अलग हो गया है। तो अगर आप इस तरीके से अपने स्टाइल में घर में चिकन स्टू बनाना चाहें बिल्कुल होटल जैसा रेस्टोरेंट जैसा, तो आप बनाइए। प्लीज़ मेरी रेसिपी को आप एंड तक देखेंगे तो आप मेरी तरह बना पाएंगे। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप बना के इसे ज़रूर खाइए, क्योंकि जो देखने में इतना अच्छा लग रहा है इसकी खुशबुएँ तो ऐसी हैं कि बस सारा घर मेरा महक रहा है। क्योंकि इसमें हमने कुछ साबुत खड़े मसाले भी डाले हैं और कुछ पिसके डाले हैं, तो सब मसालों का एक अच्छा टेस्ट इसके अंदर आया है। मिलते हैं अगली वीडियो में।